मारियोपोल में यूक्रेन और रूसी सैनिकों के बीच संघर्ष भारी जारी है। रूस मारियोपोल पर कब्जा करने की हर कोशिश में है। अब तो चेचनिया के नेता भी दावा कर रहे हैं कि कुछ ही घंटों में मारियोपोल पर कब्जा होगा। हालांकि ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं होने जा रहा। रूस यूक्रेन युद्ध का 56वां दिन है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों जैसे खार्किव और मरियोपोल, पूर्वी यूक्रेन के हिस्से डोनबास में रूसी हमले काफी तेज हो गए हैं। मरियोपोल पर जिस तरीके से रूस लगातार हमले कर रहा है, लगता है जल्द ही मरियोपोल पर रूस का कब्जा पूरी तरह से हो जाएगा। अब चेचन्या के रूस समर्थित नेता रमजान कादिरोव ने दावा किया है कि रूसी सेना कुछ घंटों के भीतर मरियोपोल पर कब्जा कर लेगी। रमजान कादिरोव ने एक वीडियो जारी करके मरियोपोल पर रूस के कब्जा हो जाने का दावा किया है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि कादिरोव रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी हैं। वहीं कादिरोव की सेना में शामिल सभी लड़ाके बेहद खतरनाक हैं और जमीनी स्तर पर यूक्रेनी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। मरियोपोल में कई हफ्तों से लगातार युद्ध जारी है और कादिरोव का दावा है कि मरियोपोल में यूक्रेन के नियंत्रण वाले अंतिम स्थल अजोवस्ताल स्टील प्लांट पर कुछ घंटों में कब्जा हो जाएगा। इस तरह से मरियोपोल पर रूसी कब्जे का मिशन पूरा हो जाएगा। हालांकि यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कहना है कि मरियोपोल पर कब्जा करना आसान नहीं होगा। Ситуація в Маріуполі залишається без змін максимально жорсткою. Російські військові блокують будь-які намагання організувати гуманітарні коридори і врятувати людей, наших людей, місцевих мешканців, які опинились в руках окупантів. Намагаються депортувати або навіть мобілізувати в окупаційні війська. Бі такий хавтос лагатар русі хамлу ки бавджуд. Аджав сагар перестити сранітик бандарка юкрені сена. Аб так бачав карне ме сафал рахі хе. हालांकि अभी तक शहर के अधिकतर हिस्सों पर रूसी सेना का कब्जा हो चुका है। मरियोपोल यूक्रेन का बंदरगाह शहर है और रूस इस पर हर हालत में कब्जा करना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।